हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक और कार का रिव्यू, जो कि ओनरशिप रिव्यू रहेगा, लेकिन इसमें हमारे पास ओनर नहीं है। लेकिन बस मैं आपको कार दिखाऊंगा और उन्होंने जो मुझे फीचर्स बताए हैं, क्या पॉजिटिव रहे हैं क्या नेगेटिव रहे हैं इस कार के बारे में, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और जो आज वो कार हम जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं, वो मारुति की सबसे हॉट सेलिंग कार रही है। गैस करिए आप कौन सी कार हो सकती है। इतने मैं आपको उस कार का फिर दिखाता हूं रिव्यू। तो गाइस, ये है वो कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि एक बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है मारुति का, और इसे माइलेज किंग भी कहा जाता है। तो आज हम करते हैं इसका रिव्यू। ये बेसिकली VXI मॉडल है और ये मेरे ख्याल से कार अभी सिर्फ 6-7 महीने पुरानी कार है, क्योंकि आप देख सकते हैं अंदर इसमें भी पन्नी भी नहीं उतरी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्या क्या चीज़ हमें इसमें मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। इसमें बेसिकली नॉर्मल हेडलैम्प्स आते हैं हेलोजन बल्ब के साथ, ठीक है। इसमें नीचे फॉग लैम्प्स आपके दिए नहीं होते हैं, क्योंकि VXI में आते ही नहीं है ना LXI में आते हैं, वो ZXI में ही आते हैं सिर्फ। बाकी इन्होंने जो ग्रिल चेंज करी थी उसमें बीच में इन्होंने क्रोम की फिनिशिंग दे दी है। बाकी यहाँ आपका सुजुकी का लोगो है। बस फ्रंट से तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इस कार में। साइड में चलते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्टील रिम मिलते हैं, जिसमें सिर्फ व्हील कैप लगी हुई है, जो कि कंपनी से लगी आती है। LXI में भी व्हील कैप नहीं देते हैं, और ZXI में टॉप मॉडल आता उसमें अलॉय लगे रहते हैं। इसमें चलते हैं यहाँ पर इंडिकेटर आपको पैनल पे नहीं मिलते हैं, आपको OR विम पे मिलते हैं, जो कि फोल्डेबल शायद पता नहीं है या नहीं, अभी देख लेंगे हम। और बाकी इसमें कीलेस एंट्री भी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ आपको शायद इसकी चाबी में ज़रूर मिलता है स्विच, जो कि कंट्रोल का अनलॉक अनलॉक रहता है। बस पीछे से आपको यहाँ से खोलने का मिलता है इसका ऐसे गेट। बात करते हैं इसके रियर बैक रुक से। नॉर्मल आपके इसमें टेल लैंप्स मिलते हैं, पीछे से कुछ ऐसी दिखती है कार, ये कोई इन्होंने चेंज करा नहीं था, बस आगे से इसकी ग्रिल चेंज करी थी, जिसमें बीच में बस वो क्रोम दे दिया था, बाकी इन्होंने न्यू मॉडल निकाल दिया था इसका फेसलिफ्ट बना के। इसको डिफॉगर इसमें नहीं मिलते हैं आपको, बस पीछे से ऐसा लुक है। अंदर से दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इस कार में। चलिए फिर अंदर चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं और हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो मिलते हैं, यहाँ से आप अपना ORVM कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी हम अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं इस कार की अब तक सीट के पन्नियाँ भी नहीं उतरी हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये नई कार है बिल्कुल, 3-4 महीने पुरानी कार है ये। और तो गाइज अभी हम कार के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर बड़ा अच्छा है। और अभी हम इसको चाबी लगा के ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका ये मीटर है पूरा, देख सकते हैं। मुझे बता सच बताऊं तो मुझे इसका ना ये जो मीटर है ना, ये बहुत डैशिंग लुक में लगता है। LXI में नहीं आता, LXI में सिर्फ एक बीच में दे रखा होता है, लेकिन जो VXI और ZXI में मीटर आते हैं ना, बड़े मस्त लगते हैं, इनका लुक ना एक अलग ही निकल के आता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल दे रखे हैं, जिससे आप अपना ये सही कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, बस फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, रिसीविंग ब्लूटूथ यहाँ पर। अभी जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ गई है, ब्लूटूथ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको ऑटो नहीं मिलता है, आपको मैनुअली एसी मिलता है। ये आपका कंपनी फिटेड स्टीरियो आता है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है। और अंदर से कुछ इस टाइप की दिखती है आपको ये कार। ये देखते हैं, हाँ ग्लोव बॉक्स है, यहाँ पर सामान रखा हुआ है, ठीक है, इनफ स्पेस है, आप कार के पेपर तो रख ही सकते हैं यहाँ पर। बाकी ये गियर लेवर है, 5 गियर आते हैं इसमें, ये हैंड ब्रेक हो गया, ये सीट्स हो गई, ग्रैब हैंडल इधर है ये। सो गाइस सॉरी फॉर दिस, अभी गाना चल गया था गलती से, तो मैं अभी बाद में आपको इसका म्यूजिक सिस्टम भी सुनाऊंगा, जो इसमें कंपनी फिटेड लगा हुआ आता है। बाकी आप देख सकते हैं इस कार में और तो कुछ है नहीं, अभी सीट कवर इसमें लगे नहीं है। अभी इसका आपको ना हो सकता है बाद में इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो मिल सकती हैं, अभी इसमें नॉर्मल मैट्स लगे हुए हैं। सॉरी गाइस, गाड़ी अभी थोड़ी गंदी भी हो रही है, तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ से आपको फ्यूल एवरेज शो कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना माइलेज किंग है ये, 17 का एवरेज दे रही है गाड़ी। यहाँ से एवरेज दिख सकता है आपको, यहाँ से रेंज दिखा रहा है 79 तक जाएगी ये किलोमीटर्स, बस ये यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है ऊपर ये रहा। बाकी और तो कुछ है नहीं, यहाँ सारे सिंबल्स आ रहे हैं, सीट बेल्ट का, कूलिंग का, बैटरी का। बस अब चलते हैं हम इसके बैक साइड में, तो अभी हम बैक पीछे चलते हैं कार के पीछे, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ है, कैसा कम्फर्ट है इस कार का। अभी मैंने पूरी सीट आगे कर देता हूँ मैं,
या देखता हूँ अभी, पूरी सीट मैंने इसकी पीछे कर दी है। हाँ पूरी सीट मैंने इसकी पीछे कर दी है और मेरी अभी हाइट जो है वो 5'9" है। मैं आपको सीटिंग कंफर्ट भी दिखाऊंगा इस कार का। तो अभी हम गाइस हम पीछे आ चुके हैं इस गाड़ी के और देख सकते हैं आप मेरे ना लेग रूम काफ़ी हद तक है। देखिए लेग रूम भी अच्छा है, हेड रूम भी मेरा काफ़ी मुझे अच्छा मिला हुआ है। देखो हेड रूम भी मुझे इसमें काफ़ी गाड़ी में अच्छा मिला हुआ है। तो ठीक है नॉर्मल बंदा बैठ सकता है इस कार में, जिसमें मेरी 5'9" है हाइट, तो आप मैं बैठ सकता हूँ इस कार में आराम से। और 5'9" वाले गाड़ी में इसमें आराम से बैठ सकते हैं। बाकी इसमें आपको पीछे भी पावर विंडोज़ मिलती हैं, सीट बीच में आपको यहाँ कोई हैंडरेस्ट मिलता नहीं है, इधर का भी लुक ऐसा है। नीचे आपको जो ये हम्प दे रखा है ये भी ठीक ही ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। तीन जने इस कार में आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से कम्फर्टेबली पीछे तीन लोग बैठ सकते हैं और कार में आप दूर तक जा सकते हैं। कोई इतना आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खिचपिच बैठेंगे या फिर थकावट होगी, नहीं, कार की सीट भी कंफर्टेबल है और आराम से आप ना इसमें लॉन्ग टूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू है नहीं कि इसमें कंफर्टेबल नहीं है कार आपकी है, तो कार ऐसी दिखती है आप कुछ देख सकते हैं। अभी हम ना इसका बूट स्पेस भी दिखाते हैं आपको। तो बूट कहाँ से एक्सेस करेंगे हम इसका, अभी मैं एक बार आपको बूट का एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने इसका बूट एक्सेस कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कार का कवर रखा हुआ है और इसमें जो बूट स्पेस है वो काफ़ी दे रखा है। तो आराम से आप इसमें लॉन्ग जर्नी के अपने लगेज कैरी कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। तीन ट्रॉली बैग आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो इस कार में। बस यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलती है जो कि कंपनी से लगी लगी आती है। इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखाएंगे, इंजन की स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं आपको। तो अभी हम इसका इंजन खोलते हैं और अभी इसको इसका इंजन खोल के दिखाते हैं। तो गाइस ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट, देख सकते हैं बड़ी नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है इसकी। ये इंजन है 1200 cc का इसमें इंजन आता है, ये जो कि बहुत साइलेंट इंजन है इसका। मैं आपको इसका इंजन नॉइज़ भी सुनाऊंगा और देख बताता हूँ कितना साइलेंट इसका इंजन है। तो अभी हम कार को स्टार्ट करके दिखाते हैं और इसका इंजन की आवाज़ सुनाते हैं आपको। सो गाइस ये इंजन हमने स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें इंजन नॉइस नहीं है। यही तो मारुति की खास बात है कि उसके इंजन जो हैं बहुत ही बेस्ट हैं। एक तो माइलेज है, दूसरा इंजन की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, दूसरा साउंड नहीं करती है गाड़ी, बेमतलब का शोर नहीं है इस कार में, इसीलिए तो इसे माइलेज किंग और इंजन के स्पेसिफिक मतलब आप कह सकते हैं कि इंजन इसके जो बहुत केयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मारुति के इंजन जो होते हैं वो बहुत ही साइलेंट होते हैं और इनकी रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। तो गाइस ये था इस कार का रिव्यू, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस।